Do you know what is miniature painting? No. Miniature painting, any painting in a small size. कोई भी painting यदि हम बनाते हैं तो उसको छोटे से form में बनाते हैं. Miniature का मतलब ये नहीं कि हमने contemporary painting को लेकर के और हमने उसको miniature form में बना दिया. Miniature painting जो है वो छोटे से size में पहले के समय पर 16th सेंचुरी से पहले के समय पर हमारी मिनिएचर पेंटिंग बनाई जाती थी, जिनके जो है ना कुछ इलस्ट्रेशन होते थे, जिनमें जो है कुछ हिस्ट्री के पार्ट होते थे. तो हिस्ट्री का ये पार्ट के अंदर जो है वो हमारे आर्ट के अंदर जो है मिनिएचर पेंटिंग को बताया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि कोई भी पेंटिंग स्मॉल साइज छोटे से साइज में उसको जो है पेंट किया जाता है. वो किसी भी बेस पर हो सकती है, ताड़पत्र के ऊपर भी हो सकती है, आइवरी शीट के ऊपर भी हो सकती है, क्लॉथ के ऊपर भी हो सकती है. तो उसको जो है हमने देखा है कि पीस ऑफ क्लॉथ, लेदर, आइवरी. मिनिएचर पेंटिंग मोस्टली प्रेजेंटेड माइन्यूट डिटेल्स. मिनिएचर पेंटिंग जो है हम बहुत छोटी सी माइन्यूट से माइन्यूट डिटेलिंग को भी हम उसके अंदर कैप्चर करते हैं. तो इसके अंदर जो है क्या क्या इसके अंदर फॉर्म्स होते हैं, क्या टॉपिक्स लिए जाते हैं, बच्चों मैं आपको बताती हूँ. इसमें पोर्ट्रेट भी ले सकते हैं, इलस्ट्रेशन भी ले सकते हैं, स्टोरी भी ले सकते हैं और डेली लाइफ के पार्ट्स को भी हम लोग जो है उसके अंदर ड्रॉ कर सकते हैं. फॉर मिडिल पीरियड ऑनवर्ड्स फाइंड अ स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन. क्या स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन थे जो हमारे मिडिल पीरियड के समय थे, मध्य समय के समय पे थे. जैसे हम बताते हैं आपको पेंटिंग में डिफरेंट स्कूल्स जिन्होंने हमारे जो है मिनिएचर पेंटिंग्स को बनाया, जैसे पाल स्कूल, वेस्टर्न स्कूल और अदर और आइसोलेटेड स्कूल, द मुगल एंड डेक्कन स्कूल ऑफ आर्ट, राजपूत एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ. ये हमारे बच्चों इतने सारे जो है स्कूल्स लोगों ने जो है हमारे मिनिएचर पेंटिंग्स को बनाए. डेक्कन तक जो है हमारा मिनिएचर पेंटिंग का पूरा पार्ट जाता है. इसके बाद में हमारा जो है डेक्कन के बाद में हमारा ब्रिटिश साम्राज्य आ जाता था, इसलिए जो है वहाँ पर हमारा मिनिएचर पेंटिंग यहीं पर डेक्कन स्कूल के साथ ही डिक्लाइन हो जाता है. मैं आगे आपको बताऊंगी पार्क स्कूल, ईस्टर्न स्कूल और बिहार स्कूल, इनमें किस तरीके की पेंटिंग्स, विच टाइप ऑफ पेंटिंग्स दिस पीरियड. हेलो स्टूडेंट्स, माय नेक्स्ट टॉपिक मिनिएचर पेंटिंग, स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर पेंटिंग. फर्स्ट पॉइंट इज द पार्क स्कूल एंड सेकेंड द वेस्टर्न स्कूल, अदर आइसोलेटेड स्टाइल द मुगल एंड डेक्कन स्कूल ऑफ आर्ट, राजपूत एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट. I'll explain Eastern School of Bengal, Bihar and Orissa. So my first explanation is the Pal School of Art. Bengal School, Bihar and Eastern School, Pal painting named after the king Dharampal. After the king Dharampal and Devpal. ये जो chief artist है बेटा ये है धीमान and वित्तपाल. ये जो पेंटिंग्स हैं सारे हमारे मिनिएचर, ये रिजेम्बल्स करते हैं अजंता के पेंटिंग्स को और इनके जो कैरेक्टर्स हैं वो हमारे अजंता के ही मोस्टली जो है ना मोस्टली फीचर्स इसके साथ में मैच करते हैं. सपोज मोस्टली सवा चश्मे फेसेस कौन कौन से हैं, वो ये हैं कर्वी ब्लैक आउटलाइंस, ब्राइट कलर्स, सिंपल एंड ग्रेसफुल फिगर्स और इसके जो फाइनल एग्जाम्पल जो है इसके फाइन एग्जाम्पल पाम लीव्स जो है वो अधिकतर जो है ना इसके अंदर पाम लीव्स के अंदर पाल स्टाइल में बनाया गया. और इसके बहुत सारे महायान टाइम के समय पर महायान युग में 8000 लाइंस के अंदर इनको जो है ना कंप्लीट किया, इलस्ट्रेशन को कंप्लीट किया. अब ये जो फॉलियोज थे वो कितने फॉलियोज थे, 6 फॉलियोज थे. 6 फॉलियोज में उन्होंने 6 फॉलियोज को रख करके आप देखते हो कि 6 फॉलियोज को उन्होंने 8000 लाइन को कैसे उन्होंने उसको सहेज करके रखा, कैसे उनको जो है सेफ्टी से रखा. तो सबसे पहले स्टार्टिंग में उन्होंने किया वुडन कवर. वुडन कवर के अंदर जो है वो पेपर्स को जो है जो उन्होंने इलस्ट्रेशन कम्प्लीट किया, उन्होंने इसको जो है ना आर्टिस्ट को देने से पहले वुडन कवर कंप्लीट किया. वुडन कवर को बनाने के बाद में पेपर का चारों तरफ से स्पेस को छोड़ा और इलस्ट्रेशन जो है पेंटिंग्स देने पेंटिंग्स बनाने के लिए उन्होंने सेंटर पार्ट दिया, जिससे कि जो है हमारा पेंटिंग या हमारा रिटन पार्ट जो है वो सेव रहे. जिसमें उन्होंने कंप्लीट करने के बाद में जब ये पूरा कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होने के बाद में इसको जो है दोनों वुडन कवर के ऊपर दो होल किए गए,
जिसके अंदर जो है थ्रेड को जो है आर पार किया गया और उसके बाद इस फोलियो को कंप्लीट किया गया और सिर्फ उसको और प्रिजर्व करने के लिए कि पेपर डैमेज ना हो, किसी भी तरीके से पूरा हिस्ट्री हमारा जो है डैमेज ना हो, उसके लिए उन्होंने वर्मिलियन कलर प्लस सेंडल पाउडर, वर्मिलियन कलर को लिया और उसके बाद में उन्होंने चंदन के पाउडर को मिक्स करके और उसके चारों तरफ बॉर्डर के अंदर रख करके ताकि ये जो है किसी भी तरीके से हमारा लिखा हुआ पार्ट, बनाया हुआ पार्ट जो है वो किसी भी तरीके से खराब ना हो। तो बच्चों आप आज आपने पढ़ा कि सबसे पहला ट्रेंड जो है हमारा दाल स्कूल द वेस्टर्न स्कूल के बारे में कि उनको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये याद करें कि इनका टीम कौन था और हर व्यक्ति के साथ में एक उसका चीफ आर्टिस्ट जरूर होता है। मैंने आपको बताया कि इनके साथ में दीवान एंड इकबाल इनके बेस्ट आर्टिस्ट थे। इन्होंने जो है पूरी पेंटिंग्स जो है अजंता की पेंटिंग्स को लेकर के और उनकी सेना को लेकर के उसके पूरे इलस्ट्रेशन को उसमें ध्यान में रखते हुए इन्होंने इन पेंटिंग्स को कंप्लीट किया जो हमारे हिस्ट्री में जो है वो पाल स्कूल के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद। जय हिंद स्टूडेंट्स। टुडे आवर चैप्टर्स वेस्टर्न स्कूल और जैन स्कूल द मिनिएचर पेंटिंग। दिस टाइम पीरियड इस 10th सेंचुरी एंड 16th सेंचुरी। द मेन मोटिवेशन इन द आर्टिस्टिक एक्टिविटी डन बाय किंग ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। इसमें जो है बच्चों आर्टिस्टिक एक्टिविटी जो कंप्लीट की गई, आर्ट का जो वर्क कंप्लीट किया गया वो किंग चालुक्य वंशज के द्वारा कंप्लीट किया गया आर्टिस्टिकली। इसके अंदर बहुत सारे पुराने पेंटिंग्स जो हैं जो पुराने देखने को मिलते हैं, ओल्डेस्ट पेंटिंग्स तीर्थांकरा जिसमें नेमिनाथ पार्श्वनाथ ये हमारे तीर्थांकर्स हैं, इसमें 20 तीर्थांकर्स को नोट किया गया है और इसके अंदर बहुत सारे पेंटिंग्स जो है ना मैन्युस्क्रिप्ट इसकी बहुत सारी श्रृंखलाएँ लिखी हैं। जैन लाइक जो कि जैन लाइब्रेरीज के अंदर जैन लाइब्रेरीज जिन्हें भंडार कहा जाता है। बच्चों ये जो क्वेश्चंस हैं जो हम आपको पढ़ा रहे हैं एमसीक्यूज में इन्हें सीबीएसई जो है वो पूछता है। मीन्स की जैन लाइब्रेरीज को हम क्या कहते थे उस समय, जैन लाइब्रेरीज को क्या कहा जाता था, तो उसे भंडार बोला जाता था जो प्राप्त की गई वेस्टर्न इंडिया की तरफ से। यूनिक स्टाइल इसके अंदर बहुत सारे फिजिकली टेप्स यूज किए गए जिसमें आईज ब्रश हिप्स ये जो है जो बनाया गया है इन्हें इलाज बॉडी से जो है ना इलाज पार्ट में, क्योंकि उस समय बेटा हम लोगों का पूरा मेजरमेंट वगैरह का किसी को इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, इसलिए इन पार्ट्स को उन्होंने लार्ज बॉस रूप में इसको दिखाया। बाकी पूरी जो बॉडी का जो पार्ट्स है फिगर जो है वो सारे फ्लैट फिगर्स को जो है ना फ्लैट बनाया गया और लाइन्स को जो है वो लाइन्स के द्वारा जो है कलर्स को भी बहुत ज़्यादा फोर्सफुली यूज़ किया गया। अब हम आते हैं बेटा कि ये मैन्यूस्क्रिप्ट किसके ऊपर बनाए गए, तो जो ये वाले मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो पाम लीफ के ऊपर जो है ना ज़्यादातर बनाया गया मैन्युस्क्रिप्ट जो है यूज किए गए। इसके लिए मैन्युस्क्रिप्ट में पाम लीफ को यूज किया गया जिसका टाइम पीरियड 1100 to 1400 AD। पॉपुलर जैन टेक्स्ट जो देखे गए इसके अंदर एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं द कल्प सूत्र जिसके अंदर जैन रिचुअल्स वगैरह के बारे में पूरा बताया गया एंड सेकेंड टेक्स्ट जो है कालकाचार्य कथा, ये स्टोरी जो है देवी कालिका की है और इसके बाद में इसके कालकाचार्य की कथा के बाद में हम इसको इसकी पेंटिंग्स को जो है अपने बुक में बहुत अच्छे तरीके से देख करके उसको हम समझ सकते हैं कि उसके अंदर किस तरीके के इन टेक्स्ट को यूज़ किया गया। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट बेटा इसका टाइम पीरियड 10th सेंचुरी to 16th सेंचुरी और इनके पॉपुलर टेक्स्ट और इनका जो है जिस पर काम किया गया कि उस समय जो है पाम लीव यूज़ की गई उसके ऊपर मैन्युस्क्रिप्ट्स जो है ना टेक्स्ट वगैरह इनका यूज़ किया गया। पिछले चैप्टर में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से जो है इनके जो है पोर्टफोलियोस तैयार किया जाता था, किस तरीके से इनके फोल्डर्स तैयार किए जाते थे, किस तरीके से कवर्स को तैयार किया जाता था। देन अब हमने आज वेस्टर्न के बारे में बताया, नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको इसके आगे के पार्ट को एक्सप्लेन करूँगी। जय हिंद बच्चों। आज मैं आप लोगों को सेंट्रल इंडिया के आर्ट के बारे में बताऊँगी। प्रीवियसली मैंने आप लोगों को वेस्टर्न आर्ट एंड पाल आर्ट के बारे में जानकारी दी थी जिसमें आज जो है इसका लास्ट फेज जो है सेंट्रल इंडिया का पार्ट हमको पढ़ाने को मिला है।
जिसमें जो है आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूंगी कि स्कूल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, व्हाट इज द मीनिंग बाय स्कूल। स्कूल के बारे में हमको इतनी जानकारी है कि हम स्कूल के अंदर आते हैं और अपने बैग लेकर के पढ़ाई करते हैं और फिर हम अपना कोर्सेस लेवल वगैरह कंप्लीट करके चले जाते हैं। बट इसमें स्कूल का मीनिंग डिफरेंस है। इसमें जिन समय पर जिस पीरियड में हम जो है उस पीरियड के अंदर जो भी हमारा पीरियड के अंदर काम होता है, जिस आर्ट का वर्क होता है बच्चों, उसके अंदर उसमें उन राजाओं का, उन आर्टिस्ट का बहुत सारा वर्क होता है और उसको एक स्कूल नाम दे दिया जाता है जिसके अंदर जो है वो सारी चीज़ें उसके अंदर कैप्चर की जाती हैं। तो सपोज़ आज हम आपको सेंट्रल इंडिया के बारे में बताएंगे। अब सेंट्रल इंडिया में है कि हमने अभी तक कल्प सूत्र पढ़ा था जो कि एक रिचुअल बुक थी जैनिज्म। तो रिचुअल बुक में हमने उसको पढ़ने के बाद में आज हम आगे पढ़ेंगे कि कल्प सूत्र का इलस्ट्रेशन जो है वो मांडू, मालवा और मध्य प्रदेश क्षेत्र में। सेंट्रल इंडिया कहाँ है? जहाँ पर हम लोग रहते हैं, मध्य प्रदेश। दैट मीन्स कि जो है मांडू मालवा का एरिया। 11th और 12th सेंचुरी के अंदर जो है ना बहुत सारे मिनिएचर पेंटिंग्स जो हैं वो यहाँ पर मार्क किए गए। इनिशियली यहाँ पर मार्क किए गए कि मैन्यूस्क्रिप्ट मिनिएचर जो है यहाँ पर बने और ये जो है इन्फ्लुएंस्ड हुए इससे ऑल डायरेक्शन। ऑल डायरेक्शन में गुजरात मुस्लिम एलिमेंट्स देखने को मिले हमें बेटा, जैसे जौनपुर है, और इसके बाद में ईस्ट में राजकोट और दक्षिण में आपका आता है साउथ। ईस्ट में आपका आप ये रहा और इसके बाद में नॉर्थ में आपका राजकोट और डेक्कन में आपका साउथ एरिया आता है। इसके अंदर हमको बेटा पर्शियन प्रभाव भी देखने को मिलता है क्योंकि इसके अंदर जो है निमत नामा एक ऐसी बुक जो है वो बनाई गई जिसके अंदर बुक ऑफ डेलिकेसीज इसको जो है बनाया गया। इसके बाद बाज बहादुर का शासन जब रहता है तो बाज बहादुर ने बहुत सारे म्यूजिकल कॉर्ड्स जिसे बोला जाता है म्यूजिक नेकलेस, उनके कॉर्ड्स के बारे में, रागमाला के बारे में, उन्होंने बहुत सारी मेन्यूस्क्रिप्ट वगैरह लिखा और ड्राइंग का काम कराया। तो बच्चों हमने अभी देखा कि यहाँ पर हमारा जो है फिर ये सारा क्षेत्र जो है हमारा नरसिंहपुर, नरसिंहगढ़ और इस तरीके से ये जाता है और इसके बाद में जो है हम लोग जो है इसको जब पढ़ते हैं तो ये हमारा पूरा मालवा का ही क्षेत्र गिना जाता है। इसमें जो हमारे पेंटिंग्स में फीचर्स वो बनाए गए, एलोंगेटेड आईज और फिगर्स वगैरह को जो है बड़े करके फिगर बनाए गए और कल्प सूत्र का गोल्डन वर्क जो है इसी के समय पर जो है कम्प्लीट हुआ और इस तरीके से ये पेंटिंग्स का जो सेंट्रल इंडिया का वर्क है वो हमें आगे यही यहाँ से पूरे इन्फ्लुएंस्ड हो करके सारी चीज़ें जो हैं हमको जो है आगे राजस्थान स्कूल में पढ़ने को मिलता है जो कि हमारा एक न्यू स्कूल इम्प्लीमेंट हुआ जिसको राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट कहते हैं। नेक्स्ट बेटा चैप्टर जो है वो हम उसके बारे में, राजस्थान स्कूल के बारे में आपको नेक्स्ट क्लासेस में बताएंगे। थैंक यू।